हम रेफ्यूजी कैंप में बैठे हैं, पीछे नारे लगाए जा रहे हैं और मेरे साथ एक बहुत ही हैंडसम सा एक्टर बैठा हुआ है इस वक्त, करण। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आई डोंट लुक लाइक अ रेफ्यूजी एट ऑल। हां नहीं, बिल्कुल नहीं लगते, बिकॉज वी पैक्ड अप फॉर द डे। बट जी हां, यू लाइक यू कैन सी वी गॉट अ होल रेफ्यूजी कैंप सेट अप बिहाइंड अस। वी आर शूटिंग वन ऑफ द डेज ऑफ एक्चुअली द लास्ट डे ऑफ आवर शूट टुडे। इसलिए लास्ट डे है, इसलिए शायद हम आराम से बैठकर बात कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है ये शूट, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है, एजेंट्स की कहानी है, स्पाई की कहानी है, और ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है हमारे देश में और शायद आम लोगों को इतना पता भी नहीं है। शूट करते वक्त कितना कुछ समझ पाए हैं इस दुनिया को? एक्चुअली जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन रॉ टीम एंड इंडियन रॉ एजेंट्स हैज ऑलवेज बिन फिल्मों के द्वारा रहा है, एंड हु बेटर देन नीरज पांडे हिज फिल्म्स टू काइंड ऑफ रियली ब्रिंग दैट आउट। एंड व्हेन वी वर शूटिंग, जब हम शूट कर रहे थे तब जाके एक्चुअली समझ आया कि एक रॉ एजेंट करता है, क्योंकि जब ये शो मेरे पास आया था तब मुझे लगा था रॉ एजेंट होगा कि कार्गो जीन्स होंगी, ब्लैक बूट्स होंगे और कॉम्बैट होगा, बट एक्चुअली वैसा बिल्कुल नहीं होता। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रॉ एजेंट इज कि एक आदमी जो किसी भी जगह जाके ब्लेंड हो जाए, किसी भी सिचुएशन में ब्लेंड हो जाए, जितना लाइक नीरज सर सेज कि जितना लाइक फॉर मी ही सेड कि जितना तुम स्टैंड आउट करोगे उतना मेरे लिए वर्क नहीं करेगा। तो जितना तुम ब्लेंड इन करोगे तो जो हमारी स्टाइलिंग भी है, जो लुक भी है, वो बहुत ही कीपिंग इन माइंड जो आवाम जनता होती है जहाँ हम लोग शूट कर रहे हैं, हम यू ही दिखा रहे हैं, तो कीपिंग दैट इन माइंड द होल लुक इज देयर। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग कि एक रॉ एजेंट एक्चुअली होता क्या और एक रॉ एजेंट का काम क्या होता है, और बड़ा इट्स बिन अ वेरी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस। सॉरी आई कांट स्टॉप स्माइलिंग बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शो को लेकर, बिकॉज दिस इज समथिंग यू नो, दिस द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ। ऐसे काम का हिस्सा हमेशा बनना चाहते हैं, क्योंकि एज एन एक्टर आपकी हमेशा एक इच्छा रहती है कि अच्छे मेकर्स के साथ आप काम करें, क्योंकि जिस तरीके से वो चीज़ों को लिखते हैं और जो उनका विजन होता है उसको जिस तरीके से दर्शाते हैं उसका, हाँ एक्चुअली इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एन एक्टर इज एज गुड एज इज डायरेक्टर, यू नो। सो आई हैव ऑलवेज इन माई करियर आई वॉन्टेड टू वर्क विद ग्रेट मेकर्स, एंड this has been a dream come true to work with Friday Filmworks and to be directed by Neeraj Pandey sir and Shivam sir for that matter. And the best part is Joita, you know, we've gone all out to shoot this, you know, hum bahut sare countries bhi aap ghoom chuke hain, to basically you know ye 8 episode ki series hai, Hotstar VIP par aayegi, aur isko shoot karne ke liye humne 100 din se zyada liye, aur humne duniya bhar mein shoot kiya hai, humne Delhi mein shoot kiya hai, humne Bombay mein shoot kiya hai, हमने इस्तानबुल में शूट किया है, अजरबैजान में बाकू में शूट किया है, जॉर्डन में हमने शूट किया है, आई डोंट नो इफ आई बोलते हैं मतलब काम भी करो उसके पैसे भी मिलते हैं और इतना अच्छा काम करने को मिलता है और इतने सारे जगह आप घूम लेते हैं। नहीं एब्सोल्युटली, मुझे घूमना बड़ा अच्छा लगता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे एक्चुअली आउटडोर ज्यादा अच्छे लगते हैं। बम्बई में तो शूट करना डेफिनेटली, मैंने अपना पूरे करियर में आई हैव शॉट अ लॉट इन बॉम्बे, पर ये जो एक्सपीरियंस था ये बहुत ही अलग था। जो स्केल है ये इस शो का और इस जो प्रोडक्शन का है, इट इज मैसिव, लाइक यू विल सी इट व्हेन द शो कम्स आउट। और मैं नीरज सर को हमेशा बोलता रहता हूँ कि सर, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम इस लेवल पर आके इसको शूट करेंगे, पर जिस किस्म का हमने शूट किया है, आई रियली होप कि वो ऑडियंस को पसंद आए, ऑडियंस देखे और वो यू नो एंजॉय करें, जो जो एक ग्रैंडियर, जो नीरज सर का एक ना पेटेंट तरीका है, जो उनकी टेकिंग है, दैट्स द चार्म ऑफ स्पेशल से उनको कुछ ज्यादा ही लगाव है, नहीं? हाँ, स्पेशल 26, स्पेशल ऑप्स, मतलब वो सीधी चीजें, मतलब सीधी इन द सेंस, मतलब जो आराम से हो जाए वो तो उनके नहीं, नीरज सर खुद ही स्पेशल हैं तो इसलिए वो स्पेशल उनका बनता है। एंड यू नो आई रियली फील कि जो मैंने व्हेन ही डन स्पेशल 26, मतलब मेरा बोलना बनता नहीं है, बट जब उन्होंने स्पेशल 26 की थी तो एक काफ़ी गेम चेंजर फिल्म थी हमारी इंडस्ट्री की, क्योंकि जिस किस्म की फिल्में बनती थी उससे बहुत ही हटके था और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उस सब्जेक्ट को आगे एंटरटेनिंग तरीके से लाया गया था, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज डन विद स्पेशल ऑप्स, जो हमारा शो है। इट्स एन इंटरनेशनल स्पाई थ्रिलर एंड इट्स जस्ट इट्स इनसेन, लाइक जो हमने लोकेशंस में शूट किया, जब आप देखेंगे, हमने वादी रामिक जैसे एक लोकेशन है जहाँ हमने शूट किया है, वहाँ पर बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में शूट हुई हैं, मार्शियन शूट हुई है, मैट डेमन की स्टार वॉर्स वहाँ पर शूट हुआ है, विल स्मिथ की अलादीन जो थी हमने वहीं, वो भी वहीं पर शूट हुई है। सो वी आर एक्चुअली अ ब्लास्ट शूटिंग इज एंटायर शेड्यूल, बहुत ही हेक्टिक था बट इट वॉज अ लॉट ऑफ फन।
करण, इतना सारा टीवी किया है आपने, होस्टिंग की है, मतलब यू हैव एक्सप्लोर्ड एवरीवेयर और आपने अपनी पहचान बनाई टीवी से, टीवी के एक्टर्स के लिए स्पेशली वेब सीरीज का जो एक दायरा है वो कैसा है, वो ट्रांजिशन कैसा है? नॉट ओनली टीवी, आई थिंक बॉलीवुड, एवरीबडी इज कमिंग इनटू सीरीज, जो कि एक नया प्लेटफॉर्म भी है, इसे कैसे देखते हो? आई डोंट थिंक आई लुक एट इट कि मतलब टीवी से वेब सीरीज या फिल्मों से वेब सीरीज, आई फील ये तीनों जो इंडस्ट्रीज एंड टेलीविजन, वेब द वेब स्पेस जो अभी ओपन अप हुई है और फिल्में, ये हमेशा पैरेलली एक दूसरे के साथ चलती रहेंगी, क्योंकि ये तीन अलग डोमेन्स हैं ऑफ एंटरटेनमेंट जो तीन अलग मार्केट्स को रीच करते हैं। ये मार्केट्स हमेशा हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करेंगी। जो टेलीविजन है उसकी जो रीच है वो बहुत ही बहुत मैसिव, बहुत मैग्नमस रीच है, बिकॉज यू नो इट गोज इन द इंटीरियर्स, जहाँ पर थिएटर्स नहीं है वहाँ पर टीवी है, और छोटे शहरों में टेलीविजन ज़्यादातर बहुत चलता है। वहाँ पर जो बेसिक एंटरटेनमेंट है, जो जो लोग घर पे हैं या जो काम करके आते हैं पूरे दिन से, वो घर पर देखते हैं चीज़ें, तो वो फैमिलीज जो होते हैं, और ये एक जो साथ में कम्युनल व्यूइंग, एज इन के मतलब मैं, मेरी मदर, मेरी ग्रैंड मदर, क्योंकि बॉम्बे के बाहर जितने लोग हैं वो सारे परिवार के साथ रहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज के साथ रहते हैं, तो टेलीविजन पे जो कंटेंट बनता है वो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बनता है कि वो ये सब लोग साथ बैठ के इकट्ठे कंफर्टेबली वो कंटेंट देखें, कि किसी को भी शर्म नहीं आए या किसी को भी कुछ अनकंफर्टेबल लगे या कोई ज़्यादा ब्लड ना हो। सो व्हेन यू कीप ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन माइंड, इट्स बेसिकली फैमिली कम्युनल व्यूइंग। वेब इज़ अ फैसिनेटिंग स्पेस, यू नो, वेब इज जस्ट एक्सप्लोडेड इन इंडिया एट द मोमेंट, बिकॉज वेब में एक तो आपको एक एक्सटेंडेड स्टोरी बोलने को मिलता है। जैसे हमारा जो शो है वो 8 एपिसोड्स का है, तो 8 एपिसोड्स के लेंथ पर आप एक कहानी बता सकते हैं, तो आप एक डिटेल कहानी बता सकते हैं। सो यू कैन बेसिकली, यू नो, हर एक जो कैरेक्टर है उसकी आप कहानी बताते हो, आप वो कहानी किस तरह से मेजर कहानी के साथ अटैच होती है, सो दैट्स व्हाट यू कैन, हाँ एग्जैक्टली, सो फॉर अ स्टोरी टेलर इट इज़ फैंटेस्टिक। फिल्म्स विल ऑलवेज बी द ग्रैंडेस्ट इवेंट ऑफ इट ऑल, बिकॉज जो एक थिएटर में जाके कम्युनल व्यूइंग का चार्म है, दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, एंड ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट फेवरेट, द मोस्ट लव्ड medium to be a part of, or to even as an audience to go and watch, you know, because the whole popcorn experience is something that you relish. So I think they'll always but as far as my journey from television to web series is concerned, it's been very interesting, because you know, mujhe abhi TV mein as an actor kaam kiye 3-3.5 saal ho gaye, and it was a conscious decision, because you know, mera hamesha tha ki zindagi mein aage badhna ho, aage badhne ki definition meri hai ki aapko acche makers ke sath kaam karna hai, jahan aap apne craft par kaam kar sake, and that's what I've been looking for. So in the last 3 years, you know, from all the projects that I've you know, that have come my way, this is the one that I'd auditioned for, actually, and I was very excited, because Neeraj sir has always been मेरी लिस्ट पर हैं कि कभी मैं ज़िंदगी में अगर मुझे मौका मिले तो मैं नीरज पांडे जी के साथ काम करना चाहूँगा, क्योंकि एक जो उनका रियलिज्म है, जो जिस तरीके से वो कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं, जिस तरीके से वो स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं, वो बहुत ही एक रियल स्पेस में होता है, एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट एक्टिंग, दैट जितना रियल लगता है उतना चार्मिंग लगता है। सो दिस वॉज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ स्पेशल ऑप्स। 2020 के साथ करण का ये भी एक जो विश लिस्ट का था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा, वो पूरा हो गया। सो मैं मतलब हम लोग सब इंतजार करेंगे मार्च का, जब आपको हम एक नए रूप में नए किरदार के साथ देखेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू गाइस, दिस इज गोना बी आउट इन मार्च, स्पेशल ऑप्स ऑन हॉटस्टार, स्पेशल्स वीआईपी, डोंट मिस इट।